हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्टार चैट व्यूक। और आज मैं तुम्हें शुरू सुनाने वाला हूँ एक लड़के की जिसका नाम है वैभव, जिसने अराउंड एक साल पहले एक एनिमे चैनल स्टार्ट करा था और अब उसके पास वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट लॉयल होमीज हैं, जिन्होंने उस लड़के को 10,000 किलोमीटर दूर अपने घर वालों से भी अकेला फील नहीं होने दिया। हमारे वैभव को इनवाइट आता है PVR से मुंबई में एक इवेंट पे आने का। और ये इवेंट किसका था और स्पेशल क्यों था? ये इवेंट स्पेशल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आने वाले थे वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ एनिमे मूवीज, मिस्टर माकाटो शिनकाई। इन्होंने बहुत अच्छी और बहुत सुंदर मूवीज बनाई हैं और जो लोग एनिमे नहीं देखते उन्होंने भी इनकी मूवीज देखी हैं, वो लोग भी इनके फैन हैं। योर नेम, वेदरिंग विद यू और इस साल सुजुनामे तोजीमारी, जो कि आई नो विल बी अ मैसिव हिट। और तुम्हारा चैट इतना क्रेजी है इस चीज को लेके, वो 10,000 किलोमीटर दूर जाना डिसाइड करता है, फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठना डिसाइड करता है, सारा अपने खर्चे के ऊपर, बस और बस एक क्रेज के लिए। और वो क्या है क्रेज? एनिमे। जो तुम मेरा सेटअप देख रहे हो ना, ये अप्रोक्सीमेटली बस 25% है। मेरे लेफ्ट वाली बॉल, पीछे वाली बॉल और राइट वाली बॉल, इनको मैं साल के एंड तक ऐसा बना दूंगा कि तुम सबको ये बोलने वाले हो कि इंडिया के अंदर बेस्ट एनिमे सेटअप चैड का ही है। अभी तो बस शुरुआत है। होमीज, द जर्नी ऑफिशियली बिगिंस। आई एम रेडी एंड गुड टू गो एंड ऑलवेज एनिमे फॉर लाइफ। देखे ए, मैं जा रहा हूं, भाई तो बोल दे, भाई तो बोल दे, इधर फर्क ही नहीं पड़ता। विकी नहीं सुधरने वाला। एयरपोर्ट तो मिस, मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट। तुम लोग देख रहे हो बोरा पीछे एयरपोर्ट। बस मुझे ना काइंड ऑफ एक डर सा हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही है प्लेन क्रैश ना हो जाए। कोई नहीं, होगा तो मैं संभाल लूंगा, आई एम द सुपरमैन। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था फ्लाइट के अंदर बैठना, तो मेरे वियर्ड रिएक्शंस को एंजॉय करो तुम लोग। होमीज, मैं मुंबई पहुंच चुका हूँ। मैं अपने बैग का वेट कर रहा हूँ, मेरा बैग कब आने वाला है, क्योंकि दो बैग है मेरे पास। अब एक छोटी चीज, ऐसे मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा? कोई मैंने काफ़ी सही रहा, मतलब नया नया फर्स्ट टाइम बैठा मैं आज से, दो तो भाई प्रो प्लेयर वो सब कुछ पता है, मैं कुछ पता नहीं। मेरे बेल्ट ही नहीं खुली, मेरा साइड वाला भैया बोला भैया बेल्ट खोल दो मेरी प्लीज़। मैं अपने ऑर्डर पहुंच चुका हूं और काफ़ी सही रूम मिला है मुझे, मतलब पीछे का अच्छा पोर्ट्रेट है, यहाँ पे टीवी, ऊपर एसी, काफ़ी सही सा बेड है, डबल बेड, होटल काफ़ी मस्त था, सब चीज़ें अवेलेबल थी, एक काफ़ी सही सा मिरर दे, यहाँ मैं बहुत फ्लैक्स करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात है इस रूम का, ये व्यू, और इतना सुंदर व्यू, इतना परफेक्ट होगा तुम्हें कहाँ मिलेगा बताओ? मेरे भाई ने बुक करा था, वो उसे काम परफेक्ट होते हैं। डे 19 को हमारे दो इवेंट थे और पहला इवेंट था 4 बजे डायनामिक्स मॉल PVR के अंदर, जो जुहू के अंदर है। वहाँ मैं 4 बजे पहुंचा था और मेन इवेंट 4:30 स्टार्ट था, और मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, मेन इवेंट है 4 बजे, 3:30 अपनी पब्लिक को बुला लेता हूँ, हम मीटअप कर लेंगे 3:30। पर मुझे नहीं पता था कि मुंबई के अंदर कैब मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, सो फाइनली काफी देर बाद हमें ड्राइवर साहब मिल चुका जो मारुति सुजुकी के अंदर आ रहे हैं। लेट्स गो, फटाफट जब मॉल पहुंच जाऊँ लौंडा से मिलूंगा, चिल्लाएंगे वन पीस इज रियल। और ट्रैफिक भी इतना ज्यादा होता है तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा, मैं पहुंचा अप्रोक्सीमेटली 4 बजे। मैं कैब से उतरा, मैंने देखा एंट्री कहाँ पे, मैंने लेफ्ट साइड देखा 10-15 लोग भागते हुए आ रहे थे, और जो बंदा उन समय सबसे आगे था ना भाग के आया, उसने मुझे हाथ नहीं मिलाया, सीधा गले मिल गया। आई लव यू, अगर तुम मुझे कहीं देखते हो ना, मुझसे मिलते हो, आके मुझसे गले मिलो, मुझे ज्यादा बेटर वो लगता है। वो मुझसे गले मिला, साथ में एक इधर से आ गया, इधर से आ गया, पीछे भी खेले वाला भाई, दिस फील लाइक फैमिली, कि मैं अपने घर वालों से 10,000 किलोमीटर दूर नहीं हूँ। देखो मैं ना मॉल पहुंच गया और यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं। हमने इतना एंजॉय करा, सबने मुझे गले लगाया, चिल्ला रहे सुना दे माकी माँ कुछ ना कुछ, भाई बहुत मजा आया मुंबई मीटअप में मेरे को, एवरीथिंग वॉज गोइंग सो गुड। पर मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, एक बंदे ने अपना बोर्ड निकाला और बोला व्यू भैया यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। मैंने उस टाइम दिखाया नहीं, मैं थोड़ा नीचे देख के बात कर रहा था, पर मेरे आंखों में थोड़े आंसू आ गए थे। ठीक है, अगर मैं कंट्रोल नहीं करता ना, मैं उधर रोज आता, क्योंकि उस मोमेंट के बाद ही मेरे एक डिस्कॉर्ड का लौंडा जो मुझे मिलने आया था, बहुत टाइम से बात करता था, उसने मुझे सामने से बोला व्यू भाई इधर शर्ट पे सिग्नेचर चाहिए। आई एम लाइक अब ज्यादा हो रहा है, तुम मुझे रुला दोगे? देखो इट्स नॉट लाइक कि मेंस डोंट क्राई, दे डू, बट चैट डोंट।
देखो चलो और क्या दिखा 106 गए हैं 106 दीपे ब्रो हमने 106 चुरा लिया है आपसे सुनामी गिव अवे भाई सुनामी गिव अवे अभी तो अब योलो में बोहांगलो को लिखूंगा आप सर इस पे लिख दो जेट शर्ट पे ज्यादा हो रहा है यार हाथ पे लिखो नहीं है नाम ही तो है आपका साइन ही सर साइन है इस पे लिखेंगे अभी 106 गए हैं भाई हां शर्ट ज्यादा हो रहा है यार अरे यार इतना तो चलेगा अब ये रोज थोड़ी मिलने वाला है देखो इधर कितने सारे लौंडे खड़े हैं हमारे और हमने कुछ याद देखो हमने कुछ याद रखने के लिए हाथ पे कुछ लिखा है सब लोग दिखाओ मैं ऊपर जाऊँ चलो मीटा बहुत अच्छा गया मैं ऊपर गया और ऊपर एंट्री मिलने से पहले मुझे पी वाई ने ये बनाया जो मैं संभाल के रखने वाला हूँ PVR गेस्ट का ये बैंड था टाइप ऑफ इसे मैं संभाल के रखूंगा भाई ऊपर जाके मैं मिलता हूँ यश से जिन्होंने मुझे इनवाइट करा था इस इवेंट के लिए थैंक यू सो मच यश और जब मैं ऊपर जाके यश से मिला ना उन्होंने मुझे बोला व्यू थोड़ा साइड में आना मैं साइड में गया उन्होंने मैं हल्का सा डांटा कि अगर आपको मीटअप करना था आप कर लेते हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म कर देते क्योंकि आपकी पब्लिक ने हल्ला मचा दिया था कि व्यू कहाँ पे है मैंने उनको बोला आई एम सॉरी मुझे जल्दी आना था और मुझे कैब नहीं मिली ट्रैफिक ज्यादा था उसलिए मैंने बोला कि उन्होंने कुछ मत बोलो प्लीज सारी गलती मेरी है वो मुझे मिलने आए थे मैंने इनवाइट करा था सबको सो इट्स ऑल माई फॉल्ट सब कुछ अपने ऊपर ले लिया क्योंकि मेरी गलती थी उस टाइम अब ये तो मैं होने नहीं दूंगा ना कि मेरी वजह से कोई तुम्हें सुना दे आगे उन्होंने मुझे ये बताया कि एक छोटा बच्चा भी आया था अपने फादर के साथ जिसने आपका एक घंटा वेट करा है जब मैंने रियलाइज करा कि वो कौन था भाई अरे सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया हूं दोस्त कैसे मैं थोड़ा लेट हो गया हूं मेरे वजह से रुक गया लॉन्डे अगर तो ये वीडियो देख रहा है थैंक यू बोल अपने फादर को मेरी तरफ से उसके फादर इतने बढ़िया मैंने उनको बोला सर प्लीज हमारी फोटो वगैरह खींच दो मैंने उनको अपना फोन दिया वो हंस रहे हैं वो हम सबकी फोटो खींच रहे कुछ वीडियो बना रहे हैं ना कोई दिक्कत नहीं उन्हें बच्चे खुश होते देख रहे हैं वो खुद खुश हो रहे हैं लौंडे तू बहुत लकी है यू हैव सच अ केयरिंग फादर और अंकल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ कूल गाय और मेरे को मुंबई मीटअप में ये गिफ्ट भी मिला जो कि मैंने पहले मना कर रहा था कि मुझे मत दो बट फिर सब लोग उन्होंने बोला कि नहीं आप रखो आपको याद रहेगा मुंबई आए थे इस अपने सेटअप में लगाना जो मैं लगाऊंगा एक्चुअली मैं नारुतो का लोगो बना हुआ है और क्लिक करूंगा तो टाइम खुल जाता है जो कि मैं लगाऊंगा सेटअप के अंदर इसको मीटअप हो गया उसके बाद मैं गया थिएटर के अंदर जहाँ पे सारे लोग बैठे थे कोई जगह थी नहीं तो मैं साइड में कोने में आके बैठ गया था चेयर से बैठ गया था मैं कोने के अंदर मेरे आते ही बस 5 मिनट के अंदर ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि द लेजेंड हिमसेल्फ इज कमिंग माकोटो शिनकाई इज हियर वो अपने साथ सुजुनो में तोजी मारे तुमने 3 लाख वाली चेयर देखे उसको लेके मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो चेयर कैसे इंपॉर्टेंट है इस मूवी के लिए और वो कैसे कनेक्टेड है शिनकाई सर से 19th को वहां पे मीडिया पर भी आ रखी तो मेन सवाल उन लोगों ने पूछा मैं तो सवाल पूछने का मौका मिला ही नहीं क्योंकि हमारा Q&A माकोटो शिनकाई के साथ 20th को होना था वहां पे एक लौंडे ने शिनकाई सर को थैंक यू बोला पहले कि आप इंडिया के अंदर अपनी मूवी को लेके और बोला कि आप इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए इंडियन फैंस के लिए आप क्या बोलना चाहते हो नाउ नॉट ओनली माकोटो शिनकाई मूवी इज कमिंग टू इंडिया बट द लेजेंड हिमसेल्फ इज हियर सो दिस इज लाइक More than a dream come true thing. So, हम सभी anime fans की तरफ से first of all a huge thanks to you. India में ऐसे बहुत सारे portions हैं जो internet में हैं, जो अभी घर में बैठ के आपको देखेंगे. तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? But message would you like to give to all Indian anime fans to Indian anime community? शिनकाई सर तो जापानी से बात करेंगे पर मैं तुम्हें बताता हूँ उन्होंने शॉर्ट में क्या बोला उन्होंने बोला कि इंडिया की ऑडियंस वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस है जो मैंने देखी है उन्होंने बोला मैं यूएस गया हूँ मैं साउथ वेस्ट हर जगह गया हूँ पर इंडिया से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मुझे कहीं नहीं मिलता सो फील प्राउड उन्होंने बोला कि जब मैं जापान में किसी इवेंट के अंदर जाता हूँ तब जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ तब लोग आराम से क्लैप करते हैं बैठते हैं सांसे मेरी बात सुनते हैं जब मैं इंडिया के अंदर आता हूँ आई फील लाइक अ रॉक स्टार उन्होंने बोला मेरे आधे सब लोग हल्ला मार देते हैं शाउटिंग करते हैं क्लैपिंग करते हैं आई फील सो गुड अपन बोलते हैं छाप छोड़ देते हैं जो इवेंट ओवर हुआ फिर हमें 6 बजे जाना था सो हाउस के अंदर जो कि भाई पूरा लग्जरी जगह सो हाउस के अंदर स्पेशल स्क्रीनिंग सुजन में तोजी मारी की इन्फ्लुएंसर्स के लिए वहां मैंने मूवी देखी और मुझे मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई मूवी का रिव्यू तुम्हें वीडियो के एंड में मिलेगा और उस स्क्रीनिंग के बाद में वहां पे और एनिमे क्रिएटर से भी मिला जिन लोगों का मुझे नाम पता है मैं उनका आया था जैसे कि एनिमे टीएम टॉक एनिमे मामू एनिमे क्लाउड इन लोगों से मैं मिला सब कुछ ऑन कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं हम लोग चिल मूड में बैठे हुए थे पर ऑफ कैमरा हमारी बहुत बातें हुई इवन हो गया था ओवर मैं गया घर और घर जाके रात में बहुत फनी सीन हो गया था खाना खाने के बाद मैं बैठने वाला था एडिटिंग करने ब्लॉग को ताकि यार डाल सकूं पर दिक्कत हुई मैं बीच में एकदम से सो गया और मैं उठ रहा हूं 4:30 और मैंने कुछ पहना भी नहीं हुआ था तो मुझे कोल्ड भी हो गया एक तो मैं दिल्ली से आया हूँ उसी दिन और इसी दिन मेरे 2 इवेंट भी हो गए मैं बहुत थका हुआ था और मैं तो लैपटॉप पे काम करते करते सो गया और मैं उठ रहा हूँ 4 बजे मैं देख रहा हूँ मैं ऊपर से नंगा हूँ एसी फुल पे चल रहा है रूम ठंडा है एकदम मेरे को जुकाम हो चुका है लैपटॉप चार्जिंग पड़ा है ऑन है फोन पड़ा है 1% बैटरी आईफोन के अंदर आई एम लाइक
होटल के अंदर बहुत अच्छा मिरर था तो फ्लैक्सिंग फॉर लाइफ। और मैं नारुतो पर कॉस्प्ले ही पहने गया था, आई थॉट जब शिनका सर से मिलने जाऊंगा इसी में जाऊं, बट मेरे को लगा यार वो अपनी मूवी प्रमोट करने आया, वो नारुतो वन पीस प्रमोट करने नहीं आए हैं, सो थोड़ा एनिमे का पहन के जाता हूं पर पूरा नारुतो बन के नहीं जाता हूं। और जो तुम में से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि जब आप नारुतो कॉस्प्ले ले गए थे तो वही पहन के जाते ना इवेंट के ऊपर, बट कोई नहीं नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। सेकंड डे मेरा इवेंट था बैंकेट हॉल के अंदर, जो फर्स्ट डे का सो हाउस ही ज्यादा लग्जरी था। देखो यहां पे मेरा सेकंड इवेंट है भाई, कुछ ज्यादा खतरनाक जगह नहीं लग रही है। मेरी फ्लाइट थी रात को 11 बजे और ये इवेंट खत्म होना था 4 बजे, तो इतना टाइम मैं कहां बिताता। और मेरा होटल चेकआउट था सुबह का 11 बजे, तो मैं सारा सामान पैक करा गया बैंकेट हॉल में, वहां पे अपना बैग सबमिट करा दिया। तो जो मेरा मेन प्लान था वो तो हो चुका है, मैंने अपना सबमिट करा दिया बैग। और बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत ज्यादा। मैं कुछ खाने जा रहा हूँ सामने कैफे है, तो बार वगैरह में हैंग ऑफ कोर्स हूँ। मैंने कुछ ऐसा ट्राई करना है जो कि लगे कि भाई ठीक है मुंबई आया हूँ, कुछ ऐसा कुछ वड़ा पाव वगैरह मैंने कभी खाया नहीं है, वो तो ऐसा कुछ मैं ट्राई करना है। और थोड़ा सेफ्टी के साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुंबई की बिरयानी ट्राई करी जो कि खाना पीना होने के बाद टाइम हो चुका था बैंकेट हॉल में जाने का। और वहां पे फाइनली हमारा बहुत क्लोज इंटरेक्शन हुआ मकोटो शिनकाई के साथ, जहाँ पे ऑलमोस्ट 15-16 इन्फ्लुएंसर से सबने सवाल पूछे मकोटो शिनकाई से। अब देखो मेन बात है, सब लोग पूछे थे इंग्लिश में सवाल, और मेरे साथ इंग्लिश में पूछे सवाल पूछने का कोई मतलब था नहीं, क्योंकि उनको इंग्लिश समझ नहीं आती, उन्हें थोड़ी बहुत आती है समझ। उनके साथ अलग से उनकी ट्रांसलेटर बैठी थी, जो तो इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो वो उनको जापानीज में ही बता रही थी। तो मैं था सबसे अलग जिसने उठा पहले बोला नमस्ते सेंसे, और फिर मैंने अपना पूरा का पूरा सवाल पूछा हिंदी के अंदर। और मेरा सवाल था ये, शुरू में जो डायजीना जो कैट था वो दिखाया गया था एंटागनिस्ट, जिसने काफी दिक्कतें दी सुजुने को। अगर तुम लोग मूवी देख चुके हो तो मेरा सवाल था उस बिल्ली को लेकर, जो उसने सुजुने को काफी परेशान करा शुरू में, पर उसने एंटागनिस्ट उसकी काफी हेल्प करी। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसा हुआ या वो क्या रोल प्ले करते हैं मूवी के अंदर, मैंने वो पूछा था और उन्होंने काफी अच्छा रिप्लाई दिया मुझे। उन्होंने पता जो कैट लवर होते हैं उन्होंने मूवी देखने के बाद थोड़ा हेट करा शिनकाई सर को, क्योंकि शिनकाई सर ने ना एंड में आकर उस बिल्ली को स्टोन बना दिया था। तो लोग बोल रहे हैं कि तुमने बिल्ली वैसा दिखाया, तो मेरे को तो भाई तुम प्यार करते हो ठीक है, बट वो एक मूवी है। बट कोई नहीं, जो लोग समझते हैं समझ जाएंगे, जो नहीं समझते कोई नहीं, साकुरा लवर है वो लोग। और वहां पे एक इन्फ्लुएंसर ने सवाल पूछा कि हमने आपकी मूवी तो देख ली पर आपकी मूवी में इतना एक्शन नहीं था, क्या फ्यूचर के अंदर जितना ड्रैगन बॉल है वन पीस के अंदर एक्शन होता है क्या, उतना हम देख सकते हैं आपकी मूवी के अंदर। जैसे मैंने सुना वन पीस ड्रैगन बॉल, आओ कैमरा निकालो ये रिकॉर्ड करना है मुझे। शिनकाई सर का जवाब था कि मैंने इस मूवी के अंदर थोड़ा एक्शन डाला है, मैं इससे ज्यादा नहीं डाल सकता, अगर आपको ज्यादा और एक्शन देखना है तो आप जिनकी बात कर रहे हो आप उनके एनिमे वालों को बोलो वही डाल देंगे, मतलब उन्होंने फनी वे के अंदर बोला। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताया कि जो वन पीस फिल्म रेड आई थी उसके अंदर किसी एक कैरेक्टर की वॉइस उनकी बेटी ने दी है। उन्होंने वन पीस के बारे में बात करी और मैं उनके सामने कैसे बैठा हूं, मैंने पहनी हुई लूफी की शर्ट और मेरे कान में है ज़ोरो की इयररिंग्स, मैं वो भी लेकर चला आता पर भूल गया, तो काइंड ऑफ उनके सामने मैं ही एक अलग चमक रहा था वन पीस वाला लौंडा। सब लोगों के Q&A हो गए थे, फिर मेरा 10 मिनट का ब्रेक और उसके बाद होना था फोटो सेशन। पर उसके बीच कमरे में एक लौंडा आता जो बोलता है व्यू, मैंने हां कहता फैंस आए बाहर, मैंने व्हाट, मैंने आज बताया भी नहीं कैसे। मैंने बहुत टाइम पहले व्लॉग में बताया था कि मैं 20 को जा रहा हूँ JW मैरिट के अंदर, शायद ये बोलते हैं उसको, और मैंने 20 तारीख को उस दिन बताया कि आज मेरा 4 बजे इवेंट है एक जगह जहाँ मैं नाम नहीं बताने वाला। लोंडो ने दोनों कनेक्ट करे पहुंच गए, होम इज हियर, और ये बता रहा है कि इसने डिप्रेशन के टाइम मेरे को देखा है, थोड़ी शेयर कर शेयर कर। लाइक मतलब जब मैं डिप्रेस था एंड मतलब बहुत ही लोनली चल रहा था लाइफ मेरा, तभी लाइक आपका वीडियो देखा, फिर मैंने स्किट वीडियोस, हां स्किट वीडियोस, वो मुझे पता है बहुत लोग हेल्प करी उसने, मतलब लाइक पूरा ची मारू फिर मैं लिटरली मतलब इतना फनी था ना, ज़ोरो वगैरह बैटमैन भी आ गया वहां से अल्टीमेट यूनिवर्स वाला, सीरियसली मतलब चिंता मत करो, स्किट वीडियोस हमेशा आती रहेंगे, आखिर मैं मर भी गया ना मुझे रीइनकार्नेट कर देना, मैं आ जाऊँ तुम लोगों को हंसाने। फिर हमारे शिनकाई सर वापस आ गए और सबका फोटो सेशन हुआ, और लकीली मेरी वीडियो मतलब रिकॉर्ड हो गई थी कि मैं जा रहा हूँ शिनकाई सर से हाथ मिला रहा हूँ, वो तुम खुद देखो कैसा लगा फोटो।
तुम लोगों ने देखा हमारा थोड़ा इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने वन पीस को लेकर कुछ बोला। मैं तो बता दूं उन्होंने क्या बोला। जब मैं उनसे हाथ मिलाया तब उन्होंने मेरे शर्ट पे देखा, उन्होंने बोला ओ यू लाइक वन पीस। उन्हें थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, मैंने यस यस जोरो आल्सो कहता ओ या या आई नो दिस, मैंने ओ भाई यस। और मैंने उनको हल्का सा बोला सर वन पीस इज रियल, उन्होंने हां हां I represented One Piece and I'm fucking proud of it. फिर एक ग्रुप फोटो भी हुई और सारे जो इन्फ्लुएंसर्स आए थे उनको तीन तीन पोस्टर मिले सुजन में तोजी मारी के, जो बहुत हाई क्वालिटी में और बहुत अच्छे हैं, इनको भी दीवारों पे लगाऊंगा मैं। उसके बाद मैंने लिया अपना बैग और मैं चल पड़ा सीधा एयरपोर्ट के लिए। और मैंने एयरपोर्ट पे ना कुछ नोटिस करा, इसलिए मुंबई के अंदर हूँ और मैं ऐसे एयरपोर्ट वेट कर रहा हूँ अपनी फ्लाइट का, तो मैंने पीछे कुछ नोटिस करा तो पीछे डिजाइन है वॉल पे वो सब वो लगने ना गॉड ऑफ ओत्सुरी वाला डिजाइन, बिल्कुल जो फोटो दिखाई है बिल्कुल वैसे डिजाइन लग रहा है वो देखो। अरे माँ ये हो भी। तो ये था मेरा दो दिन का मुंबई का व्लॉग। अब मेरा सफर तो खत्म मुंबई का, पर सुजन तोजी मारी का रिव्यू। सबसे पहले माकोटो शिंगा की एक बहुत स्पेशलिटी है ऑडियो को लेके, म्यूजिक को लेके, जो मैंने खुद विटनेस करी पहली बार। आई एम लाइक भाई विजुअल से अच्छे ना मुझे ऑडियो लग रहे थे, सच बता रहा हूँ तुम्हें। जब भी ऑडियो के अंदर कुछ नया या साउंड के अंदर कुछ नया सा ट्रैक आता है मैं खुश में घूम, ओ भाई क्या ये मूवी। कुछ दो घंटे की थी और दो घंटे फुल ऑफ एक्साइटमेंट रहा मैं पूरे टाइम, लाइक भाई ये क्या हो रहा है, अब ये क्या हो रहा है, ये कैसा हो रहा है, वो मैं सीख रहा था कि मूवी के अंदर किस टाइम पे कैसे साउंड ऐड करने चाहिए, क्योंकि मेरा ये काम है थोड़ा बहुत। शिनका सारे काम से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ हूँ और उन्होंने छोटी मोटी डिटेल इतनी सारी ऐड करी है जो कि अगर तुम ध्यान दोगे तो मैं दिखेंगी। उन्होंने कुछ ना कुछ जैसे ऐड करवा कि तुम देख के बोलने वालों की एक सेकंड ये तो इन्हीं की उस मूवी से रिलेटेड काम है। देखो अगर तुम लोगों को अपने दोस्तों को एनिमे से इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं बेस्ट बोलता हूँ तुमको छोटा मोटा एनिमे दिखा दो, डेथ नोट वगैरह या कोड गियास दी मचल वगैरह, ताकि वो इंटरेस्ट जाके उनका एनिमे को लेके। पर अगर तुम्हें कुछ ऑल्टरनेट चाहिए माकोटो शिनकाई मूवीज आर देयर फॉर यू। और अगर अभी टाइम है तुम्हें अपने किसी दोस्त को एनिमे से इंट्रोड्यूस कराना है उसे लेके जाओ सुजनो में तोजी मारी के लिए, वो फैन बन जाएगा माकोटो शिनकाई। तो होमीज ये था मेरा एक्सपीरियंस दो दिन का मुंबई का, जो मैंने बहुत एंजॉय करा, बहुत लोगों से मिला, मेरे नए कनेक्शंस बनाए, पर हाँ मजा बहुत आया। मैं दो दिन एक अलग शहर के अंदर रहा अपने फैमिली से, इतना दूर रहा पर लिटरली मुझे दो दिन बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मेरी फैमिली से दूर हूँ। सबसे बेस्ट पार्ट था मेरा दो दिन का मुंबई का, पहला था माकोटो शिनकाई से मिलना, एक लाइफ टाइम चांस मिला तो मैं माकोटो शिनकाई से मिलने का। इतने बड़े डायरेक्टर से तुम क्वेश्चन पूछो, तुम बात करो, तुम्हारी फोटो हो रही है भाई, थैंक यू सो मच पीवीआर। और सेकंड चीज जो मेरी बेस्ट पार्ट थी मुंबई के ट्रैवल का, तुम लोग। सो होमीज ये था मेरा दो दिन का ओताको स्पेशल मुंबई व्लॉग। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। और अगेन थैंक यू सो मच पीवीआर मुझे इनवाइट करने के लिए, और थैंक यू सो मच तुम लोगों को कि तुम लोग आए, मेरा तुम्हें 19th इतना बढ़िया बना दिया भाई, मैं भूलने नहीं वाला हूँ 19th कभी भी, ये देख के तो मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। सो होमीज थैंक्स फॉर वाचिंग, आई होप यू एंजॉयड इट। शायद मैंने दो बार बोल दी बात, पर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और आज संडे है, स्ट्रीम में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय।